तो आज हम आपको दिखाएंगे बेडफोर्ड, जो आपको दिखाएंगे इसका टाइमिंग दिखाएंगे, क्योंकि इसका दूसरे गाड़ियों से अलग है टाइमिंग। मतलब जापानी गाड़ियां जो होती है ना, उनसे इसका टाइमिंग अलग है। तो मैंने कहा चलो, काफ़ी लोग हैं ऐसे जिनको टाइमिंग के बारे में इसका पता नहीं है, टाइमिंग इसका कैसे सेट किया जाता है, ठीक है, पंप का टाइमिंग, पंप का और जो इसकी मतलब कंप्रेसर का गियर होता है, कंप्रेसर की गरारी होती है, कैम शाफ्ट का और मतलब इसका क्रैंक शाफ्ट का, वो तो आसान है, वो आसानी से सीधा कर सकते हैं, मगर इसका थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि साथ में इसकी न्यूट्रल गरारी लगी हुई है। वो तो मैं आपको साथ में बताता चलूँगा कि इसका टाइमिंग कैसे सेट किया जाता है। वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये कंप्रेसर, तो ये इसका कंप्रेसर खुला पड़ा है, हमने वैसे इसको बाकी तो फिट कर दिया है, पंप इसके साथ हमने फिटिंग करना है, पंप फिटिंग करके तो ऊपर हमने फिट कर देना है, ये जो है इसका हो चुकी है, इसे हम फिटिंग करते हैं, फिटिंग करके इंशाल्लाह आपको टाइमिंग दिखाते हैं, इसका टाइमिंग कैसे मिलाया जाता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट आती रहे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरों को इसका फ़ायदा हो सके। तो जब मार्क ना भी हो, अगर मतलब होता है कि जुगाड़ी है, बहुत सारे मार्क निशान लगे होते हैं, तो उसमें बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है जो कौन सा मैं निशान सेट करूँ। तो इसीलिए मैं यही बताने लगा हूँ आपको कि आप परफेक्ट इसका टाइमिंग पंप का कैसे सेट कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी, यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने इसको सीधा करना है, तो आपको दिखाते हैं। हाँ, घुमा हल्का हल्का, घुमा 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 घुमा, हल्का 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 जा, हल्का जा, बस वापस थोड़ा, बस थोड़ा जा, हल्का हल्का ही मैं बस। तो ये देख सकते हैं, ये आ गए हैं जी, ठीक है। तो क्रैंक शाफ्ट का आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्क है। तो ये भी तरीका है, एक और भी है, बहरहाल ये भी बड़ा ही आसान तरीका है टाइमिंग सेट करने का, जिसका मतलब है मार्क ना हो, इसका मतलब है पंप वाले गियर का, ठीक है। अभी जो है मैं आपको ये बताऊंगा, मतलब है बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बता रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल आमने सामने है मार्क, यहाँ से बिल्कुल सामने है, ये देख सकते हैं। तो इसी को हमने ऐसे करना है, ठीक है, ये सामने कर देना है। तो सामने ये करके, तो इसका भी हम आपको दिखाते हैं, इसका हम कैसे सेट करेंगे, असल बात है पंप की टाइमिंग की, ठीक है। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, आपको दिखाते हैं। तो ये इसका पंप हो गया, ठीक है। तो अभी जो है इसका हमने एक नंबर वाला पैप इसका खोल देना है, ठीक है। तो इसके इसको खोल के, तो हमने इसको जो है, अगर मैं आपको क्लियर दिखा सकूँ, इसके अंदर भी होल बना हुआ है, ठीक है, ये सुराख बना हुआ है इसके अंदर। तो इसी के अंदर हमने तो ये वाली लगानी है, ठीक है। तो इसकी मोटाई आप चेक कर लें, इतना मोटा हो, मतलब ये है कि ये जो अंदर होल बना हुआ है, इसके अंदर तकरीबन पूरा हो, ठीक है, ये बिल्कुल पूरा है, साइज इसका बिल्कुल फिक्स है। तो कुछ ढीला है, मगर ढीले का इतना मसला नहीं है, तो बहरहाल तकरीबन पूरा बुरा है। अभी जो है हमने कंप्रेसर को घुमाना है, घुमा के जैसे ही अंदर चला जाएगा, जो इसका रोटर का अंदर हॉल है उसके अंदर जैसे चला जाएगा, तो वहीं पे हमने इसको रोक देना है, ठीक है। रोक के फिर जो है आपको मैंने आगे की तरफ से दिखाना है। तो अभी मैं इसको घुमाने लगा हूँ वहाँ से, ये जैसे ही अंदर जाएगा तो फिर जो है तो ये अंदर चला गया, ठीक है, तो ये फुल अंदर चला गया। तो आप देख सकते हैं, अभी जो है हमने देखना है गियर की तरफ, टाइमिंग गियर की तरफ, ये इसका मार्क यहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे ऊपर आ गया मार्क, ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे मार्क ना होता तो हम इसके बराबर मार्क अपना लगा लेते, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट होना था। ये तो वैसे इसका अपना जेन्युइन लगा हुआ है मार्क। तो अभी जो है हमने क्या करना है, ये गियर फंसा देना है,
ये आ जाएगा इसके बराबर, बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ किया अगर ये जो मार्क है ये वाला, ये हम परफेक्ट सीधा रखते जैसे इसके साथ हम रख देते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही बराबर, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी यहाँ पे बराबर कर देते हैं। फिर हमने इसको उल्टा कर देना था, इसको फुल घुमा देना था वहाँ से किल निकाल के, ठीक है, वहाँ से किल निकाल के हमने इसको घुमा देना था, तो भी टाइमिंग बिल्कुल सीधा था। तो खैर हमने इसको फंसा के फिर जो है हमने चक्कर दे देना एक, ठीक है, सीधा चक्कर दे देंगे तो ये भी सीधा हो जाएगा और ये जो है ये ऊपर वाला जो है ये भी नीचे आ जाएगा। तो अभी हम इसको ये इसका न्यूट्रल गियर फंसा, तो ये जी हमने इसकी जो है मतलब गियर वो हमने बिठा दिया। तो जैसे कि ये टाइमिंग जो है ये सेट हो चुका है, बहरहाल हमने तो अभी जो है हमने घुमा के देखना है कि टाइमिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट है, ये जो मार्क है यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है ये आ जाएगा यहाँ पे इसके बराबर, ठीक है। तो वैसे टाइमिंग सेट है, हम टाइमिंग प्लेट लगा सकते हैं, मगर आपको चेक करवाने के लिए हम इंजन को घुमाएंगे। चलो जी घुमाओ। बस देख सकते हैं यहाँ पे इसका मार्क, अगर मैं चेक करवा दूँ आपको तो ये देखें ये आ गया और ये इसका बराबर आ गया, ठीक है, ये देखें ये बिल्कुल खुद ब खुद बराबर हो गया और ये ऊपर वाला नीचे आ गया, ठीक है, ये इसके बराबर बिल्कुल हॉल के बराबर हो गया। बस ये इसका टाइमिंग है, तो अभी जो है हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे, स्टार्ट करके हमने इसके टाइमिंग प्लेट लगा देनी है। चलो तो ये जी माशाल्लाह स्टार्ट हो चुकी है, तो यही दिखाना था आपको ताकि अच्छे से स्टार्ट करके चेकिंग कर लें। तो वीडियो वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, टाइमिंग के बारे में आसानी से टाइमिंग कैसे मिलाया जाता है।